Come on. पार्टी की भारत जोड़ो पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान तीखे होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने असम में 800 किलोमीटर और उड़ीसा में 2300 किलोमीटर की अलग से यात्रा का ऐलान कर दिया है। बंगाल में ऐसी ही यात्रा की डेट जल्द आने वाली है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन प्रमुख जयराम रमेश लगातार चौके छक्के मारते जा रहे हैं लगभग रोजाना, और अब ज्यादा तीखा हमला विपक्षी खेमे की चुनिंदा पार्टियों पर है। कांग्रेस का उत्साह और कांग्रेस का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि वो अब ऑपोजिशन की पार्टीज पर कांग्रेस से गठबंधन करने पर ही सीधा सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। कई पार्टियां ऑपोजिशन यूनिटी चाहते हैं ताकि कांग्रेस कमजोर हो। हम इसको होने नहीं देंगे। ऑपोजिशन पार्टी भी जान जाए कि अगर आप कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर मत कीजिए, कांग्रेस को बैकस्टेप मत कीजिए। जल्द एक नई और आक्रामक कांग्रेस का दावा करने वाले जयराम रमेश साफ साफ ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, चाहे कोई भी हो। खास निशाना कांग्रेस तोड़कर बनी पार्टीज पर है, जैसे ममता बनर्जी, टीआरएस और ऐसी पार्टियां जिनका जयराम रमेश के शब्दों में बीजेपी के साथ नूरा कुश्ती चल रही है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी लड़ते हैं, पर दिल्ली में बीजेपी और बीजेडी की जुगलबंदी चलती है। बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री को उठो, मुख्यमंत्री उठते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बैठो, मुख्यमंत्री बैठते हैं। उनके सांसद वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं, तो बीजेपी और बीजेडी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के इस नए रोक और इस रवैये के बाद साफ साफ ये दिखता है कि गैर कांग्रेसी विपक्ष कांग्रेस से नाराज भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई नई कवायद शुरू कर दे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पहले ही सड़क पर उतर चुके हैं और आज भी जमकर गरजे हैं बीजेपी पर, और शायद राजनीतिक बिसात पर कोई और ही मैसेज देना चाहते हो। मैं बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे, उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है? इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी की सोनिया गांधी से मुलाकात होने वाली है। कब होगी ये मुलाकात अभी बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन ये संभव है कि अब पुराने जनता परिवार की अलग से या मिलकर कोई क्षेत्रीय दलों के एक फेडरल रीजनल अलायंस की कोशिशें शुरू हो जाए। इसका होना लगभग तय है, सिर्फ नीतीश और सोनिया की मुलाकात के नतीजे का इंतजार है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस क्या नीतीश को प्रमुख भूमिका देने को तैयार होगी या नहीं होगी। भले ही अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और टीआरएस से कांग्रेस का समीकरण नहीं बैठता, मगर नीतीश, लालू और तेजस्वी का इनके साथ ठीक है, शायद एक दूसरे के मददगार भी। नीतीश के अरविंद केजरीवाल से भी संबंध ठीक है, और अरविंद केजरीवाल वही शख्स है जो कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। केजरीवाल ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलहाल विपक्षी एकता की मुहिम में हिस्सा नहीं बनेंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी अगले चुनाव में किसके साथ अलायंस करोगे,
कौन सी पार्टियों के साथ करोगे? भाजपा के खिलाफ एक यूनाइटेड? भाई साहब मेरे को ये सब जोड़ तोड़ समझ नहीं आती। लगातार बनते और बिगड़ते और उभरते राजनीतिक परिदृश्य में सब अपनी अपनी चिंता में जुटे नजर आ रहे, या यूं कहें कि विपक्षी गोलबंदी में जो सरगर्मी दिखी थी अब बैक सीट लेती नजर आ रही है। और हो सकता है ये बात फिलहाल एक फाइनलिटी के तौर पर नहीं कह सकते हैं, मगर शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अंदर से मुस्कुरा रही होगी। खंडित विपक्ष बीजेपी को खुश कर रहा होगा जब कांग्रेस अपनी भारत यात्रा से अकेले दम पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की हुंकार भर पैदल मार्च में जुटी हुई है। तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक, अपने थॉट्स, अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।